हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी कूपन डील। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के बारे में, जो कि फ्रेंड्स सैमसंग की तरफ से आने वाला एक 5G फोन है। और फ्रेंड्स, ये जो फोन है ये क्या क्या फीचर लेके आएगा, क्या इसके अंदर आपको नए फंक्शनैलिटी मिलेगी, और ये किस प्राइस रेंज के बीच में ये लॉन्च हो सकता है, कब लॉन्च होगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोल लिया है। तो मैं फ्रेंड्स ये आपको मैं बता दूँ, ये फ्लिपकार्ट पे ही ये फ़ोन जो है लॉन्च होने वाला है। इसका जो लॉन्च डेट है वो 8th of March 12 noon, यानी कि 8 मार्च को ये 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक ये जो है लॉन्च हो जाएगा। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें कंपनी ने चेंजेस किए हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं ये फ़ोन जो है F22 का सक्सेसर होने वाला है। तो उससे इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें नई डाली हैं सैमसंग ने एफ सीरीज़ में इस बार, तो ये सारी बातें हम जानेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो इसके रेवोल्यूशनरी फीचर्स जो सैमसंग ने यहाँ पे यूज़ किया है, इसमें आपको सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिलता है, और FHD+120Hz गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो ये स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है वो सैमसंग ने अपने एफ सीरीज के फ़ोन में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। पहले वो हम सभी को पता है एक्सिनोस प्रोसेसर देते हैं अपने फ़ोन में, स्पेशली एफ सीरीज में, बट इस बार उन्होंने 750G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का यूज़ किया, जो कि काफ़ी फास्ट है एक बजट फ़ोन के हिसाब से। और आपकी जो मल्टीटास्किंग है, गेम्स और जो भी आप डे टू डे ब्राउजिंग करते हैं, वो सारे काम आपके टास्क एकदम स्मूथ कर देगा। फिर हम बात करें इसके एक नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें फ्रेंड्स आपको रेवोल्यूशनरी स्मूथनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, 120Hz गोरिल्ला ग्लास 5 डिस्प्ले। फ्रेंड्स, पहली बार सैमसंग ने एक बजट फ़ोन 120Hz की डिस्प्ले आपको मिलने वाली है विद गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, जिससे कि आपका फ़ोन सिक्योर तो रहेगा ही, इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी तो ऐड होगी, साथ ही साथ आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा उसको चलाते वक्त, इसलिए इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है विद 120Hz रिफ्रेश रेट। और फ्रेंड्स, 120Hz इस प्राइस में देना बहुत ही बड़ी बात है, तो ये एक अच्छा यहाँ पे सैमसंग ने इस फ़ोन में काम किया है। अगले फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें कैमरा भी यहाँ पे इस फ़ोन का मेन हाईलाइट है। इसमें आपको फर्स्ट एवर 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा विद 123° अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, तो जिससे कि आप काफ़ी वाइड एरिया कवर कर सकते हैं अपने फोटो में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के थ्रू। और साथ ही साथ जो 50MP का जो मेन कैमरा है इसका, वो भी आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर निकाल के देगा। इस फ़ोन में जैसे आप समझाते हैं सैमसंग के फ़ोन में सिंगल टेक फीचर होता है, तो इस सिंगल टेक फीचर के थ्रू भी आप 10 kinds ऑफ फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक कर सकते हैं विद अ सिंगल टेक, आपको अलग अलग बार लेने की जरूरत नहीं है। और कैमरा और क्या क्या इसमें, जो जैसे कि हम देख सकते हैं फ़ोटो में यहाँ पे 3 कैमराज यूज़ किए गए हैं, तो उनमें और क्या क्या ऐड किया गया, क्या सेंसर है और कितना बड़ा लेंस, ये सारी चीज़ें, और फ्रंट में कितना मेगापिक्सल कैमरा दिया गया, ये सारी चीज़ें हमको बाद में ही पता चलेंगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की अपने, तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी पावर, यानी कि यहाँ पे बैटरी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया। यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है विद फास्टर 25W चार्जिंग सपोर्ट, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने देखा है कि जो सैमसंग के ज़्यादा पावर के साथ जो फ़ोन आते हैं, मतलब ज़्यादा बैटरी बैकअप जिनका होता है 6000-7000, फ्रेंड्स वो रियली बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं और कैरी करना उतना आसान नहीं होता उनके लिए, तो वो थोड़ा लिमिट से ज़्यादा ही हैवी आते हैं, इसलिए यहाँ पर सैमसंग ने 5000mAh की बैटरी इसमें दी है, जो कि एक अच्छा बैटरी बैकअप आपको इस फ़ोन से निकाल के दे देगा ये बैटरी। और बात करें इसमें आपको 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सपोर्ट लिखा है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको चार्जर कंपनी प्रोवाइड करे, तो मे बी ये विदाउट चार्जर है, आपको चार्जर 25W का अलग से परचेज करना पड़े, इनबॉक्स आपको सिर्फ नॉर्मल चार्जर मिले ऐसा हो सकता है, बड़े
बट अभी कोई कंफर्म नहीं है, बट जैसे यहाँ पे लिखा है एंड फास्टर 25 वॉट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको सेपरेटली बाय करना पड़े। और नेक्स्ट यहाँ पे मेन जो हाईलाइट है इस फोन का वो है 5G। फ्रेंड्स इसमें कनेक्टिविटी में आपको 12 गैलेक्सी 5G बैंड्स मिलते हैं, इनका सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। आप कहीं पे भी डाउनलोड अपलोड शेयरिंग कर सकते हैं अपना कोई भी फाइल कोई भी डेटा विदाउट एनी लैग और विद वेरी फास्ट स्पीड। तो ये भी यहाँ पे एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है इसके ऊपर यहाँ बात की गई है। यहाँ पे इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट कलर मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन एक्वा ब्लू एंड फॉरेस्ट ग्रीन, जो कि थोड़ा डिफरेंट लग रहा है जो और एफ सीरीज के फ़ोन आते हैं उनसे। और इसमें आपको मैट फिनिश भी मिलेगा फ्रेंड्स, कूल मैट फिनिश जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जिससे कि फ़ोन थोड़ा और प्रीमियम लगे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, इसलिए यहाँ पे मैट फिनिश का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। और जो कलर मैंने आपको बताई दिए, दो नए कलर यहाँ पे आपको मिलते हैं, एक्वा ब्लू एंड फॉरेस्ट ग्रीन। तो ये है फ्रेंड्स इस फ़ोन की जो कुछ मेन हाइलाइट्स हैं, मेन फीचर्स हैं, और डिटेल में तो इस फ़ोन के बारे में तभी पता चलेगा जब ये फ़ोन लॉन्च होगा। और बात करें फ्रेंड्स इसके ऑफर्स एंड डील्स के बारे में, तो फ्रेंड्स जब ये लॉन्च होगा उसके बारे में हम तभी बात कर सकते हैं, बट ये श्योर है कि ये फ़ोन अंडर 20,000 रहने वाला है। मैं तो कहूँगा कि 15 से 18 हज़ार के बीच में ही मोस्ट प्रोबेबली हो गए, क्योंकि सैमसंग के इससे भी ऊपर वाले एम सीरीज़ भी हैं होगा, तो इसलिए फ़ोन जो सैमसंग है इसको अंडर 20,000 15 to 18,000 के बीच में ही लॉन्च करेगा। और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं और भी ज़्यादा डिटेल है उसके बारे में हम आगे चल के ही जान पाएंगे, उसके बारे में हम आगे ही हमको पता चलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तब वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए, और मोर कूपन कैशबैक ऑफर डील्स के लिए हमारी वेबसाइट easycoupondeal.com पे ज़रूर विजिट करें।